साथियों, दिल्ली को ऐसी सरकार भी चाहिए जो समय आने पर देश के पक्ष को मजबूत करे, हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो। दिल्ली को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो आतंकी हमलों के समय में भारत के पक्ष को कमजोर करे, जो अपने बयानों से दुश्मन को भारत पर वार करने का मौका दे दे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद किस तरह के बयान आए, आप मुझे, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय यहां की सरकार में बैठे लोगों ने जो आज आपसे वोट मांगे निकले हैं, उन्होंने कैसे बयान दिए थे आपको याद है ना? आपको याद है ना? वो गुस्सा है कि नहीं है? वो गुस्सा है कि नहीं है? हर दिल्ली वासी में वो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो गुस्सा है तो 8 तारीख को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये सजा देने का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी ताकत से करेंगे, मेरा दिल्ली वासियों पर भरोसा है। साथियों, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो CAA आर्टिकल 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाला। अपनी राजनीति के लिए, तुष्टिकरण के लिए लोगों को भड़काने वाले भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोग दिल्ली का हित कर सकेंगे क्या? दिल्ली का भला कर सकेंगे क्या? ये लोग बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रो सकते हैं, उनका साथ देने के लिए सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों से झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। सब कुछ समझ रही है।